सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा ब्रीफ पंजाब चैनल विच। दोस्तों, तुहाडे विच्चों एक वीर ने मैसेज करके एक सवाल पुछिया सी कि भारत दे विच जिन्हें भी महात्मा ने उन्होंने नामों के अगे तकरीबन एक शब्द लगा होंदा, जिवें श्रीमान 108, श्रीमान 101, श्रीमान 1008, इन अंकों का की मतलब होंदा ते क्यों लगाए जाते हैं, इन अंकों की वरतों सिख धर्म में कदों अते क्यों शुरू होन लगी। अज इन सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में देवांगे। वीडियो बड़ी रोचक है, कृपा करके पूरी सुनियो ते अगे शेयर जरूर कर दियो। सो हुण आपां वीडियो शुरू करते हाँ। दोस्तों, सिख धर्म में आपां सारे जदों श्री गुरु नानक देव जी तो लैके 10 गुरु साहिबान जां उन्हां तो बाद दे समय दे सिंघां, उस तो बाद सिख मिसलां दे इतिहास बारे पढ़ते हाँ, तो सिख कौम विच इन्हां इतिहास विच इन्हां अंकां 108 जां 1008 वर्गे किसी भी अंक की वरतों कदे नहीं कीती गई। सिखां विच सिर्फ भाई शब्द जां बाबा शब्द जां संत शब्द की वरतों कीती गई है। ये अंकों वालियां पदवियां का जिक्र कदे भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी नहीं आता। इन अंकों वालियां पदवियां का ज़्यादा संबंध हिंदू भाईचारे नाल है। हिंदू धर्म विच भी 108 जां होर अंकों वालियां पदवियां बहुत ही विरले महात्मावां दे नाल लगदियां सन। अजकल तो हरेक ही साधु बन के इन पदवियों की वरतों करता है, बेशक उसनूं इन्हां दा मतलब ना ही पता होवे। हिंदू धर्म के पुरातन साधु महात्मा नाल भी यह पदवियां अपने आप नहीं सगों लोकां वल्लों लगाईआं जांदीआं सन। पुरातन समय में हिंदू धर्म का कोई भी साधु जिहड़ा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, 52 उपनिषद अते 1 गायत्री मंत्र इन्हां सारे ग्रंथां का अध्ययन कर लैंदा सी, जिसनों इन्हां सारे ग्रंथ जिन्हां की गिणती तुसी जोड़ के देख लवो 108 बनती है, जिहड़ा इन्हां ग्रंथां का पूरा ज्ञानवान हो जाता सी उस दे नाम दे नाल श्रीमान 108 लगाया जाता सी। जिहड़े इन्हां ग्रंथां नूं पढ़ लैंदे सन वह भी अपने नाम दे नाल अजिहे अंकां वाली पदवी लगाउंदे सन, जां उन्हां दे चेले ही उन्हां नूं माण सत्कार देण वास्ते उन्हां दे नाम दे अगे श्रीमान 108 लगाउणा शुरू कर दिंदे सन कि साडे गुरु ने 108 ग्रंथां दा अध्ययन कर लिया है। पर हासोहीणी गल यह है कि अज सिख धर्म विच भी बहुत सारे महापुरश इन अंकों वाली पदवियों अपने नाम के अगे लगा रहे हैं, भावें कि उन्होंने इस बारे कोई पता ना भी हो सकता है कि वह बिल्कुल कोरे अनपढ़ होण अते इन्हां ग्रंथां का नाम भी उन्होंने कदे ना सुने होण, पर देखो देखी लगा लेंदे हैं। भारत में ज़्यादातर बाबे कोरे अनपढ़ हैं। वैसे हिंदू धर्म में इन कथनों तो इलावा 108 के होर भी बहुत सारे मतलब हैं, जिमें गल में पाने वाली रुद्राक्ष की माला के 108 मणके होंगे, 12 राशियां अते 9 ग्रहों को भी जदों गुणा करते हैं तो उसका मतलब भी 108 ही बनता है। इस तो अलावा 27 नक्षत्र होंगे हैं जो 4 दिशावां विच होंगे हैं, यह भी 27 गुणा 4 करोगे तो 108 बनता है। होर भी बहुत सारिया थ्यूरिया हैं, पर ज़्यादा प्रभावशाली अते मनी जाने वाली थ्यूरी यही है कि 108 सिर्फ उन्हां नामां दे नाल ही लगाया जा सकता है जिन्होंने 4 वेदा, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, 52 उपनिषद अते 1 गायत्री मंत्र का पूरा अध्ययन कर लिया होवे। हुण जे आपां गल करिए सिख धर्म की, तो जिहड़े भी सिख धर्म के बाबिआं ने अपने नाम के नाल 108 लगाया है, जेकर उन्हां नूं इह सवाल किया जाए कि तुसीं 108 का मतलब जाणदे हो, जे जाणदे हो तो की तुसीं सारे 108 ग्रंथां के पूरे ज्ञानवान हो गए हो, तां उह की जवाब देणगे। इस तो बाद एक होर पदवी 707 आउंदी है। तुहानू दस दईए कि 707 अंकां वाली पदवी का कितें भी जिक्र नहीं आउंदा, ना हिंदू धर्म विच अते ना ही सिख धर्म विच, तां आउणा ही की है। इस तो अगे आउंदा है 1008, इसका भी इतिहास विच कदे कोई जिक्र नहीं आउंदा। साडा तां इह मनना है कि इह 1008 वाली पदवी किसी साधु संत ने आप ही बनाई लगती है, कि 108 वाली पदवी तो बहुत छोटी है, मेरे नाम के अगे तो 1008 लगता है।
हालांकि 1108 का तो कोई मतलब बनता है, इस तो अलावा किसी भी अंकों वाली पदवी का कोई अर्थ नहीं। सो दोस्तों सचेत हो इन्हां पखंडियां कोलों। इस वीडियो बाबत जे तुहाडे कोल भी कोई जानकारी है तो कमेंटा विच जरूर सांझी करियो। अते इस तरह दियां होर वीडियो देखने लई कृपा करके ब्रीफ पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ ते इस वीडियो नूं अगे शेयर जरूर कर दिओ।